नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी। हमारे सारे कार्यक्रम आप goNewsIndia.com हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, हमारे ऐप पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या कोरोना के जगत में इस समय हो रहा है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कोरोना कमांडर्स के बारे में। जी हाँ, कोरोना का कमांडर कौन, और अगर हम इसको विश्व के स्तर पर बात करें तो हम कहेंगे कोरोना के कमांडर कौन। तो इस समय खबर बड़ी यह है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व की 10 सबसे बड़ी उस सूची में पहुंच गया है जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण उन मुल्कों में दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान ने ईरान को और चीन को पीछे छोड़ दिया है और वो 10वां कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क बन गया है। और कैसे बन गया है ये आप सबको मालूम है, और लगता यह है कि अब ये आने वाले दिनों में इस पायदान पर और ऊपर जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जो कोरोना से लड़ने का ब्रह्मास्त्र था, रामबाण था, लॉकडाउन, उसका इस्तेमाल वो कर चुकी है और उसके ज़्यादा अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक 1 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी होती, लेकिन ये वैसे ही कुछ है। ये कहना कि इस साल अगर मानसून अच्छा होगा तो फसल बहुत अच्छी होगी। तो चूंकि इस समय 2 महीने लॉकडाउन को बीत चुके हैं और सरकार खुद मान रही है कि इसमें जो इसके जो केसेस हैं उसमें जो पीक आएगा, यानी कि उसकी जो ऊंचाई आएगी वो जुलाई तक हमको दिखाई देगी, और उसके कारण और उसकी वजूहात की चर्चा हम अभी करेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना के कमांडर वास्तव में हैं कौन। लेकिन पहले एक नज़र डालिए इस सूची पर जो कि टॉप 10 देशों की सूची है पूरी दुनिया में, और इनमें अमेरिका सबसे ऊपर है, ब्राज़ील का नंबर उसके बाद है, उसके बाद रूस का नंबर है, उसके बाद ब्रिटेन, यूके का नंबर है, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, और हिंदुस्तान ईरान और चीन को पीछे छोड़कर अब आगे निकल गया है। 1,40,000 के आसपास केस जो हैं हिंदुस्तान में आ चुके हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लगातार अब जो वृद्धि है वो 6,000-7,000 के आसपास जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। और इसका बढ़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जो ब्रेकडाउन हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था का और जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन उठाना पड़ा है, उससे तमाम लोग जो हैं अब वो शहरों से निकल के गाँव में पहुँच गए हैं और वहाँ पर ये जानकारी इकट्ठा करने का कोई ज़रिया नहीं है कि कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि अब ये बिल्कुल सामने है। गोवा जैसा राज्य जिसमें एक बार कहा गया था कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वहाँ पर चूँकि लोग वापस पहुँच रहे हैं वहाँ पर नए नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और हकीकत जो है वो हम सबके सामने है कि कोरोना जो है वो अब काफ़ी आगे पहुँच चुका है। वापस लौटते हैं कि पूरी दुनिया के हिसाब से प्रधानमंत्री को दुनिया में कई लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन तक ने कहा कि बहुत अच्छा कामकाज किया और इस पर नियंत्रण किया, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कह रहा है। WHO ने भी कहा था लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि लगता है कि सरकार का नियंत्रण जो है स्थिति पर वो अब उतना नहीं है। और ये अगला जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं ग्राफ, ये इससे जाहिर है, आप ये देख सकते हैं इसमें कि ये 10 देश हैं जिनकी हमने अभी बात की, और इन 10 देशों में सिर्फ ब्राज़ील और हिंदुस्तान और रूस 3 ऐसे देश हैं जो अभी भी ऊपर जा रहे हैं। बाकी देश आप देख सकते हैं कि उनमें जो कर्व है वो फ्लैट होने लगा है और अब नए केसेस की जो संख्या है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो मोटी आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं ये हिंदुस्तान की लकीर है, और इसमें साफ ये बताया गया है कि अभी भी हम जो हैं वो 7 दिन के अंदर दोहरे डबल यानी केसेस जो हैं उस स्थिति में अभी भी हम फंसे हुए हैं। तो ये स्टिल स्पाइकिंग, यानी कि इन मुल्कों में जो हालात हैं वो अभी ऐसे हैं। आगे अगर हम चलें तो हम ये देखेंगे कि अगर आप आंकड़ों में और छानबीन करें तो सरकार के सारे ये दावे जो हैं कि हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट कभी ज़्यादा है, कभी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं उनके हिसाब से जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, कभी हम कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या है उसके हिसाब से जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए, उनका ध्यान बटाने की बातें हैं।
जो मुद्दे की बात थी है वो ये है कि हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और चिंता की बात यह है कि इससे मरने वालों की संख्या है उसके जो ट्रेंड्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नज़र आप डालिए तो आप ये पाएंगे कि इस समय टोटल कन्फर्म्ड कोविड डेथ्स जो हैं इस लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो अब पहुंच गया है नंबर 9 पर। तो नंबर 10 में केसेस के हिसाब से और नंबर 9 जो है वो पड़ गया है कुल डेथ्स के हिसाब से। रूस में भारत से कम मौतें हुई हैं और सिर्फ टर्की जो है वो हमसे आगे है और बाकी सारे यूरोप के देश हैं और अमेरिका है वो हमसे आगे है। इसमें एक जो लाल वाली आप लाइन देख रहे हैं वो ब्राज़ील की है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है कोरोना का और वहाँ पर एकदम से लोगों की मौत की संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। 20,000 से ऊपर लोग जो हैं वहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये दिल दहलाने वाला है और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा अभी कम है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है और वो चिंता का विषय इसलिए है कि अभी हमारे यहाँ पर जैसा आपने देखा ग्राफ में अभी जो है वो टॉप आउट नहीं हुआ है और अभी वो ऊपर जा रहा है और जितने लोग संक्रमण में आते जाएंगे उनका जो रिस्क है मरने का वो बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आप ये अब देखिए कि ये असली तस्वीर दुनिया की ये है कि डेली जो केसेस आ रहे हैं और टोटल जो कंफर्म डेथ्स हो रही हैं उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में जो टॉप लाइन है लाल रंग की वहाँ पर मरने वालों की संख्या अब कम होने लगी है। इटली में मरने वालों की संख्या कम होने लगी है डेली, यूके में मरने वालों की संख्या कम होने लगी है। इस ग्राफ में आप देखिए ढंग से तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ ब्राज़ील और इंडिया और रशिया ये 3 मुल्क हैं जिसमें मरने वालों की संख्या लगातार जो है वो ऊपर जा रही है। ये सारे आंकड़े यूरोपियन CDC जो है ये उसके आंकड़े हैं, सरकारी एक तरह से आंकड़े हैं और वो इसे जमा करते हैं और ये आंकड़े हमने सारे 24 मई से लिए हैं जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था और अभी भी इसमें कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, कौन हैं वो नेता जो कोरोना से हार रहे हैं और इन्होंने पहले क्या कहा था, एक नज़र डालिए इस ग्राफ के ऊपर तो आप पाएंगे ये 3 दिन का एवरेज है, मौत होने का 3 दिन का रोलिंग एवरेज है। आप देख सकते हैं 10 हमने मुल्क इसमें उठा के रखे हैं और इसमें चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो नंबर है वो 5वां है और ऊपर वाली आप अगर कोने में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमेरिका में कोई 10,156 लोग डेली मर रहे हैं, ब्राज़ील में 779 और हिंदुस्तान में 144, रूस में 150, इटली में 135 और यूके में 292। यानी कि इस लिस्ट के हिसाब से हिंदुस्तान का जो नंबर पड़ता है इसमें वो 5वां हो जाता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि हमारा जो एवरेज है लोगों की मौत का वो बढ़ रहा है। अब ज़रा तस्वीरों को देखिए तब आपकी समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये सारे वो मुल्क हैं और ये सारे वो नेता हैं जो कि कमांडर हैं जिन्होंने कोरोना फैलने के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। ट्रंप साहब ने तो ये कहा था एक बार कि अप्रैल तक सब मामला ख़त्म हो जाएगा एंड अप्रैल इज़ ए ब्यूटीफुल मंथ, तो अप्रैल की जगह अब मई भी गुजर गया है लेकिन अमेरिका में अमेरिका अभी भी डेली डेथ के हिसाब से टॉप पर बना हुआ है। हैर बोल्सोनारो ब्राज़ील के जो नेता हैं वो बिना मास्क लगाए कई सारे मीटिंग्स में गए और उनका जो राजनीतिक उनकी जो गतिविधियां थी उसमें लगातार वो जारी रहे, उनका भी यही हाल हुआ। नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं उन्होंने कहा था आज से सही 2 महीने पहले कि 21 दिन का समय मुझे दीजिए जब लॉकडाउन लगाया गया था और 21 दिन में ये सब ठीक कर देंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए। व्लादिमीर पुतिन
इनके दफ्तर के जो लोग हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, कई मंत्री जो हैं, वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इस समय वो कहां पर हैं किसी को नहीं मालूम, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने भी कोरोना को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी थी। बोरिस जॉनसन जो खुद क्वारंटाइन में उन्हें जाना पड़ा था, कोरोना हो गया था और अब ठीक होकर के वापस आ गए हैं, और वो अभी भी अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको नहीं हटा रहे हैं जो कि लॉकडाउन तोड़ करके बाहर दिखाई दिए थे। तो ये कमांडर लोग हैं और ये किसी की नहीं सुनते हैं, और इन्हें ये लगा कि जो कोरोना जो है वो इनसे डर जाएगा, क्योंकि इनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं वो इनसे डरते हैं, इनसे मीडिया डरता है, और जो ये बात करते हैं वही बातें होती हैं। बोरिस जॉनसन दोबारा अभी जीत करके आए हैं, ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी दो बार चुनाव जीत चुके हैं, पुतिन जाने कितने चुनावों से जो है वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इनको ये लगा कि जिस तरह से ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धमका सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं, वैसे ही ये कोरोना पर भी विजय पा सकते हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ ये कहा था कि इनविजिबल एनिमी, हिंदुस्तान में हम योद्धा की बात करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि कोई लड़ाई हो रही है और हम इससे जीत जाएंगे। इनकी समझ में ये नहीं आता कि जो लड़ाई है वो माइक्रोब से है, वो साइंस से है, और साइंस से कोई नहीं जीत सकता, और इसीलिए ये सारे जो मुल्क हैं इस समय इस टॉप 10 लिस्ट में हैं। इस मुल्क इन लिस्ट में सिर्फ दो ऐसे मुल्क हैं, फ्रांस और जर्मनी, जहाँ पर दोनों नेताओं ने, चाहे वो कैमरून हो और चाहे वो एंगेला मर्कल हो, दोनों ने बहुत ही सहृदयता से काम करना शुरू किया, और अब उन दोनों ही मुल्कों में धीरे धीरे इसके ऊपर काबू जो है वो होता जा रहा है। लेकिन बाकी जितने भी ये नेता हैं, इन्हें ये लगा कि ये एक लड़ाई है और हम इसे जीत जाएंगे, हम सोशल मीडिया के थ्रू जीत जाएंगे, हम ताली बजा कर जीत जाएंगे, हम दिए जला कर जीत जाएंगे, हम अपनी छवि हमारी जो है वो इतनी ज़ोरदार है, इतनी ज़बरदस्त है कि कोरोना डर जाएगा। लेकिन कोरोना किसी से नहीं डरा और ये सारे के सारे कमांडर जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं। एक और नज़र डालिए आप आखिरी आज का जो ग्राफ है उसके ऊपर, और आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से अभी भी ये लड़ाई है ये जारी है और किस तरह से ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। देखिए इसको, ये डेली वर्सेस टोटल कन्फर्म डेथ्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यहाँ पर केसेस डेथ्स जो हैं वो कम होने लगी हैं और धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है। रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इनमें अभी भी मौतें जो हैं वो तेज़ी से ऊपर बढ़ रही हैं। और इससे पहले वाले ग्राफ पर हम जाते हैं एक एक करके और आपको बताते हैं अंत में कि किस तरह से ये टोटल कन्फर्म डेथ का ग्राफ है, जिसमें कि दो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, वो एक यूनाइटेड स्टेट्स की है, अमेरिका की है, और दूसरी ब्राज़ील की है, और हिंदुस्तान भी जो है वो इसमें पीछे नहीं है। तो ये कहानी है, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का जो ग्राफ है, लाल रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, सीधी ऊपर जा रही है और बाकी मुल्कों में जो है ये कम होने लगी है धीरे धीरे। ब्राज़ील जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग का, वो भी ऊपर जा रही है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो कमांडर हैं इन मुल्कों के, वो कोरोना को समझने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि कोरोना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोरोना को चुनाव नहीं लड़ना है, कोरोना चुनाव में खड़ा नहीं होगा, कोरोना एक साइंटिफिक समस्या है, एक वैज्ञानिक समस्या है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूर रख के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ रख के आप इससे सिर्फ जीत सकते हैं, इससे आप अपनी कमांडरगिरी करके नहीं जीत सकते। तो गो न्यूज़ इंडिया में आज इतना ही। हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि goNewsIndia.com हमारे वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हम लगातार आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कोरोना से देश और दुनिया कैसे दो दो हाथ कर रही है। आज इतना ही, नमस्कार।